हेलो दोस्तों, वर्क फ्रॉम होम क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज हम लेंटिल कबाब बनाएंगे। तो कबाब बनाने के लिए हमें जो सामग्री चाहिए वो हम देख लेते हैं। ये हमने एक कप लेंटिल को 7 से 8 घंटे तक भिगो कर ले लिया है। 2 बड़े चम्मच ब्रेड क्रम्स को हमने ले लिए हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, चुटकी भर हींग, चुटकी भर काली मिर्च, 1/3 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/3 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच जीरा लिया है हमने, थोड़ा सा हरी मिर्च को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के ले लिया है, कैबेज और कैरेट को हमने बारीक साइड से ग्रेट करके ले लिया है, नमक स्वाद के अनुसार, थोड़ा सा धनिया को हमने काट कर ले लिए हैं, प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर लिया है और अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया हमने 1/2 चम्मच। कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंटिल को बॉयल करेंगे। तो लेंटिल को बॉयल करने के लिए एक सॉस पैन में हमने ये पानी लिया है, इसमें थोड़ा सा नमक डाला है, इसमें हम लेंटिल को डाल देंगे। लेंटिल को अब हम ढक देंगे और इसमें उबाल आने देंगे। इसको ढककर हमने तेज आंच पे 5 मिनट तक उबाल लिया है। गैस को अब हम बंद कर देंगे और दाल को हम इस तरह से चेक करेंगे। दाल सॉफ्ट हो गया है तो इसको पानी में से हम छान लेंगे। लेंटिल को हमने पानी में से छान लिया है और इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको मिक्सर जार में डाल के हम चला लेंगे। थोड़ा सा लेंटिल को हमने मिक्सर में ये थोड़ा सा चला लिया है। अब हम इसमें बाकी की चीज़ें डालेंगे, ब्रेड क्रम्स और सारी चीज़ें जो हमने ली हुई हैं, इन सबको एक साथ हम डाल देंगे। इसमें सारी चीज़ों को हम अच्छे से डालकर और मिक्स कर लेंगे। कबाब के लिए मिक्सचर हमारा बनके तैयार है। इसको बनाने के लिए हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। और आप इसको अपने मनपसंद का किसी भी शेप में इस तरह से बना सकते हैं। सारे कबाब को हम इसी तरह से बना लेंगे। कबाब्स को हमने बना लिए हैं, अब हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। कबाब को शैलो फ्राई करने के लिए ये हमने ग्रिडल को गर्म होने के लिए रखा है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा इस तरह से तेल डालेंगे। इस तरह से हम सारे कबाब को अरेंज कर देंगे। सारे कबाब को हम अच्छे से पलट पलट कर मीडियम आंच पे गोल्डन ब्राउन करेंगे चारों तरफ से। इसके ऊपर से हम थोड़ा सा और तेल डाल देंगे। अगर आपके पास नॉनस्टिक तवा ना हो तो आप उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा ही तेल यूज़ करें, जिससे कि कबाब उसके ऊपर चिपकेगा नहीं और अच्छे से सिक जाएगा। जब कबाब कुछ इस तरह से गोल्डन ब्राउन चारों तरफ से हो जाए, इसका मतलब कि कबाब हमारा अच्छा सिक गया है। इसको अब हम गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। लीजिए दोस्तों, बनके तैयार हमारा बहुत ही स्वादिष्ट और गर्मा गर्म लेंटिल कबाब। ये खाने में जितना स्वादिष्ट होता है उतना ही हेल्दी भी है, क्योंकि इसको मैंने बहुत ही कम तेल में ही बनाया है। इसको आप गर्मा गर्म धनिया पुदीने की चटनी के साथ खाएं, या तो फिर लेंटिल रैप बनाकर इसको आप इंजॉय कर सकते हैं। कैसी लगी आपको रेसिपी? अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।